हेलो वालको, स्वागत है आपका आपके बैच सनराइज में। इसमें आज हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, फिर नेक्स्ट लेक्चर बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के विषय में। ठीक है, एक एक रिएक्शन आपको आसानी से कवर हो जाए इसलिए मैं पहले लिख लेता हूँ, कम समय में आपको समझा दूँ और आप नोट कर ले। बोर्ड की इससे बेस्ट तैयारी नहीं हो सकती आपकी, जो मैं बता रहा हूँ उसे करते रहिए और रैपिडली लेक्चर अपलोड करूंगा मैं, जल्दी जल्दी प्रयास करूंगा। लेकिन अभी आपको धीरे धीरे बताइए कमेंट बॉक्स में आपको लग कैसा रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कोई एक दूसरे की जगह ले लेगा। मान लो तीन दोस्त हैं, रामू श्यामू और कलुआ। अब रामू श्यामू में से श्यामू भाग गए, कलुआ उनके साथ चिपक गया, तो क्या हुआ, जो बाहर गया ना, इस तरह जब प्रोसीजर, इस तरह फ्रेंडशिप होती है तो इको बोल देते हैं हम, क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देखिए क्या लिखा मैंने, अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट साल्ट सोल्यूशन। मतलब मान लो, लेकिन ना इसको, कि दो दोस्त हैं जो बहुत ही, एक अमीर है एक गरीब है, एक बहुत अमीर है, तो अमीर एक गरीब की दोस्ती के साथ रहता है और कारण ऐसा होता है कि अमीर वाला जो दोस्त था वो गरीब वाला कहता था भाई तुम जा, फिर वो बड़े अमीर से दोस्ती कर लेता है, तो इनका काम बाहर कर दिया इनको। तो जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को क्या करता, बाहर कर देता है, और ऐसी रिएक्शन क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सुन भाई, देखता ये जिंक है, ये कॉपर है, ये कहता है भाई तू निकल बाहर, हम इसके साथ जोड़ी बनाएंगे, तो क्या बनेगा, जिंक SO4 क्या निकल जाएगा, कॉपर बाहर हो जाएगा। ये एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट का है। Fe क्या करेगा, कॉपर को बाहर कर देगा और खुद FeSO4 बना देगा, क्या बन जाएगा, कॉपर निकल गया। जिंक Fe को बाहर कर देगा, देख रहे हो, जिंक SO4 प्लस Fe बाहर, मतलब Fe कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन जो जिंक है वो Fe से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक इसको, मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव है हटा सकता है। अब ये वाला बेटा NCERT का दिया गया है, तो यहाँ पर Fe इसके लिए लग जाता है, क्या बन जाता है, Fe2O3 प्लस Al2। तो दो Fe ले लेंगे तो बैलेंस हो, दिख रहा है बेटा आपको, देख रहे एक बार, हाँ दिख रहा है, परफेक्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। समझ में आया नहीं आया जरूर बता देंगे। हाँ।